हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं वो जो आपके समझ में आ सके, क्योंकि मैंने फिलोसफिकल क्वेश्चंस डाल के देख लिया वो किसी के दिमाग में जाता नहीं है एंड दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। तो आज कंटेंट वही चलेगी जो इतने टाइम से आप व्यूअर्स समझते आए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं ये गुस्से में कह रहा हूँ, ना 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 ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना समय और नॉलेज और जाया नहीं करना। तो लोकी का एपिसोड 2 भी आ गया है और इस एपिसोड के बाद मेरे पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चंस और स्ट्रांग हो गए हैं। साथ ही मैंने जो एस्पेक्ट पिछले वीडियो में छोड़े थे ये सोच के कि कुछ एक्स्ट्रा इनसाइट मिलेगी तब उस पे बात करेंगे, और वो मुझे एपिसोड 2 में मिल गई। तो उन पे जाने से पहले मैं शुरू करता हूँ कुछ टीवीए बेसिक्स से। टीवीए की बेसिक्स क्या है? एक डिपार्टमेंट जो कि टाइम कीपर्स नाम के 3 लोग बनाए हैं, उनका काम टाइम स्ट्रीम को ब्रांच होने से रोकना है। इतना बोल के लोग सोचते हैं हाँ चल ना मैंने समझ लिया है, तू ज्यादा मत बता समझा। तो भैया इतना तो जान लिए पर पहले वाले को याद रखोगे तब ना है भैया, चैप्टर में आगे बढ़ गए पर पिछले वाले भूल जाओगे तो कैसे चलेगा सर। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तुम सब मूवीज को आधे होश में देखते हो क्या यार। खैर डॉक्टर स्ट्रेंज के इस सीन में एंशियंट वन का साफ साफ कहना था कि हमारी जो ये यूनिवर्स है स्ट्रेंज, वो बस एक मेंबर है उस इनफाइनाइट यूनिवर्सेस का। भरोसा ना हो तो एडिटर वो वीडियो चलाओ यार जरा। इसके अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड है, कोई अंत नहीं, कुछ दयालु और जीवन देने वाले, दूसरे भूख और ईर्ष्या से भरे अंधेरी जगह जहाँ वक्त से भी पुरानी शक्तियाँ इंतजार में बैठी है। हाँ तो यहाँ देख के समझे कि मल्टीवर्स तो एग्जिस्ट करती है, वो भी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस के साथ। अब एक से ज्यादा टाइम जेम्स और पावर जेम्स होना वो डबल कंफर्म करती है कि कई सारे यूनिवर्सेस हैं। तो अगर मैं एंशियंट वन की ये बात और टीवीए की भी बात को सही मानूं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे दोनों के बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो टाइम कीपर्स बेसिकली अनंत ब्रह्मांडों को और उनके वर्किंग को बस अपने राइटिंग से कंट्रोल में रखते हैं। दोबारा सुनो, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस वो भी बस राइटिंग से। कुछ समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा फीट है, क्योंकि इनफाइनाइट उन वर्ड्स में से है जिन्हें तुम डिटरमाइन तो छोड़ो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अब अगर एक बींग इनफाइनाइट को भी कंट्रोल में रखता हो वो किस लेवल पे अथॉरिटेटिव है, कुछ सोच रहे हो? तो अब मुझे ये बताओ कि इनफाइनाइट यूनिवर्सेस के इनफाइनाइट टाइम स्ट्रीम्स को रेगुलेट कर देने वाले लोग सिर्फ एक टुच्चे से फीमेल लोकी को थ्रेट मानेंगे एज पर द डायलॉग ऑफ जज साहिबा, कि वो टाइम कीपर्स को इतना बेताब कभी नहीं देखी कि वो किसी केस में इतना ध्यान दिए हो। तो भैया इतनी फिक्र किस बात की, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट वो सही दिखाए हैं कि टाइम ब्रांच को उस लाल रेखा को पार करने के बाद उसे सिर्फ टाइम कीपर्स ही ठीक कर पाते हैं। तो ऑफ कोर्स यार जो इनफाइनाइट स्ट्रीम्स को एक ऑर्डर में चला सकते हैं उनके लिए 1,2,00,000,000,000,000 टाइम स्ट्रीम्स तो 3K के समान भी नहीं होगा। बट वाई कंसर्न्ड अबाउट लेडी लोकी, क्योंकि वो कितनी भी ब्रांचिंग कर ले वो टाइम कीपर्स का कुछ नहीं उखाड़ पाएगी यार, क्योंकि इनफाइनाइट में कितना भी जोड़ लो वो इनफाइनाइट ही रहेगी, कितना भी निकाल लो वो उतनी ही रहेगी। तो टाइम कीपर्स का ये बिहेवियर जो जज बताई वो उन्हीं के बताए एट्रीब्यूट से कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब आते हैं दूसरे केस पे कि क्या इन इनफाइनाइट यूनिवर्सेस में क्या कुछ ऐसा है जो इनके अथॉरिटी को निगेट करती हो? तो हाँ है, वो है मिस्टिक बींग्स और डॉर्मामू। एज पर टीवीए मल्टीवर्स में अनंत टाइम स्ट्रीम्स थे पर डिसऑर्डर्ड थे, और फिर टाइम कीपर्स आए। सीक्वेंस याद रखो, पहले टाइम आया फिर टाइम कीपर्स आए। अब आते हैं कैग्लियोस्ट्रो के किताब और एंशियंट वन के ज्ञान पे कि इस अनंत ब्रह्मांडों में कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जो जीवन देने वाले हैं और कुछ तबाही और डार्कनेस से भरी हुई, जहां बैठे हैं समय से पुरानी शक्तियां। दोबारा सुनो, समय से पुरानी यानी ओल्डर देन टाइम इटसेल्फ, यानी डोरमामू का एग्जिस्टेंस को टाइम की जरूरत नहीं, इवन वो उससे भी बियॉन्ड है। तो ऑफ कोर्स डोरमामू इनके विधि के विधान में तो आएगा नहीं, क्योंकि किसी बींग को उस एट्रीब्यूट में बांधना इम्पॉसिबल है जो उस एट्रीब्यूट से ही परे हो। तो क्या ऐसे पावर्स रखने वाले बींग्स को वेरिएंट के कैटेगरी में डाला जाएगा, क्योंकि वो टाइम कीपर्स के पावर को खुलेआम तोड़ते चलते हैं? क्योंकि मोबियस और लोकी के कॉन्वो में दोनों ने कहा था कि सब कुछ विधान में बंधा हुआ है, जिंदगी मौत सब कुछ। तो एक एक्स्ट्रा टेम्पोरल एंटिटी आके इनके क्रिएशन में रहने वाले लोगों को मार देगा, ये तो वो विधान में डाल ही नहीं सकते, क्योंकि डोरमामू तो इनके पावर्स में आता ही नहीं है। तो क्या डोरमामू एक वेरिएंट है? या डार्क डायमेंशन से पावर लेने वाले लोग जो समय और मौत
दोनों को ओवरराइड करके जीते हैं जैसे एंशिएंट वन खुद, तो क्या वो वेरिएंट कहलाएंगी? अगर वो कहलाएंगे तो टीवीए उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता, और अगर नहीं कहलाएंगे तो फिर टीवीए खुद अपने कायदों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। खैर अब कुछ लोग बोलेंगे कि डोरमामू तो इस यूनिवर्स के स्पेस को तबाह कर रहा था, वो टाइम स्ट्रीम को थोड़ी कुछ कर रहा था। चलो ठीक है, मैं भी मानता हूँ, बट फिर उस सीन में एक एस्पेक्ट तुम लोग मिस कर रहे हो, क्योंकि उस वक्त डार्क डायमेंशन और मार्वल यूनिवर्स एक नेक्सस पे मर्ज्ड था, यानी दोनों यूनिवर्स एक जगह इंटरसेक्टेड थे, और स्ट्रेंज क्या किया, एक ऐसा एस्पेक्ट अपने यूनिवर्स से लेके चला गया जो दूसरे वाले यूनिवर्स में नहीं होनी चाहिए, वो थी समय। यानी इस यूनिवर्स के टाइम को बाई फोर्स एक इन्फिनिटी जेम के जरिए एक्सटेंड करके दूसरे यूनिवर्स में घुसाना, ये भी एक वेरिएंट वाला ही काम है, बट वहाँ टीवीए नहीं आई। और तीसरी और आखिरी केस है कि क्या एक बार वेरिएंट बनने के बाद कोई विधान के परे चला जाता है। अब मैं इस पॉइंट पे क्यों पहुंचा, क्योंकि देखो टीवीए इतना तो क्लियर कर दी है कि वो भी विधान के अंडर आते हैं, इवन उनका पूरा वर्किंग विधान के अंडर आता है। अब इस सवाल का क्या हाल है ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है, बट एक वेरिएंट पकड़े जाने के बाद क्या क्या करेगा, क्या वो विधान में आता है? क्योंकि लोकी की हरकतें जो है वो कहीं से भी विधान में नहीं आ सकता, बट ये बात इतनी सीधी भी नहीं है। हम ये जानते हैं कि टाइम कीपर्स चाहे तो खुद के विधान को भी ओवरराइड करने वाले विधान लिख सकते हैं, तो फिर एक वेरिएंट को पकड़े जाने और उनके द्वारा बिगाड़ी टाइमलाइन को ठीक करने के बाद कीपर्स वेरिएंट्स को सुधार देने वाला विधान क्यों नहीं लिखते, या फिर वो लिख ही नहीं सकते, या फिर वो कुछ और चाहते हैं? इन तीनों आंसर्स को एनालाइज करते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, इसका जवाब कुछ भी दे दो, वो कीपर्स के कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर ही देगी। लिख ही नहीं सकते का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो लिटरली एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन वाले विधान का काउंटर विधान लिख चुके हैं। तो बचता है हमारा आखिरी सवाल कि वो कुछ और चाहते हैं, और ये सवाल हमारा मेन कंसर्न है, और लोकी का भी, जो वो मोबियस से कहा कि कोई अच्छा हमेशा अच्छा नहीं होता और कोई बुरा हमेशा बुरा नहीं होता, और इसका जवाब हमें सीरीज से ही मिलेगी। बट इतना सब कुछ स्टेटमेंट और काउंटर स्टेटमेंट के बाद सभी ऑडियंस और लोगों के मन में सवाल होगा, अच्छा तूने तो इतना सब कुछ बकवास कर लिया, पर तू अपना एंड पॉइंट बताना कि तेरी समड अप प्रॉब्लम्स क्या है। तो दो वीडियो के बाद मैं अपना समड अप प्रॉब्लम्स बताता हूँ जो मुझे इस सीरीज से है। वो है पहला, कम्प्लीटली ओपन एंड वेग एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ टाइम। जो मैं पहले वीडियो में भी कहा था कि टाइम के कॉन्सेप्ट को यूज करना इतना आसान नहीं होता, और एमसीयू इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, और टाइम कीपर्स को और उनके वर्क को इंट्रोड्यूस करके तो वो उसे और एब्सर्ड बना दिया। मेरी दूसरी और आखिरी प्रॉब्लम है द वेगनेस ऑफ द रूल्स फॉर बीइंग अ वेरिएंट। एक बंदा वेरिएंट कब कहलाएगा, वो नियम वो बताते ही नहीं है। जैसे तुम लोग कहोगे कि अबे पागल है क्या, एपिसोड नहीं देखी तूने कि विधि का विधान तोड़ेगा तो वो वेरिएंट कहलाएगा। तो यही तो मेरा सवाल है कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसे कर देना विधि का विधान तोड़ना कहा जाता है। अब मेरा सवाल समझ रहे हो कि क्या क्या क्राइम करोगे तो उसे ब्रीच ऑफ लॉ कहा जाएगा। और ये तो ऐसे सवाल है ना जो तुम सब में अगर कोई जरा भी सेंसिबल इंसान होगा जो इन मूवीज को देखा है या अभी देख रहा है, वो इन सवालों के वैलिडिटी को समझेगा। दूसरी चीज, मैंने कई लोगों के सवाल और कई वीडियोस देखे जो ये जानना चाह रहे हैं या जो ये थियोराइज करने में लगे हुए हैं कि क्या टाइम कीपर्स बुरे हो सकते हैं। तो यार मैं बता दूं कि टाइम कीपर्स अगर वैसे ही हैं जैसे उनके बारे में बताया जा रहा है, तो मैं बता दूं कि फिर वैसे एंटिटीज के आगे सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं टिकता। अगर वो कुछ ऐसा करते भी हैं तो वो इंसानों की नजर में बुरा काम कहलाएगा, वो उनके लिए कोई मतलब होल्ड नहीं करती। जैसे एग्जाम्पल लो, एक रूम था, वहाँ कई चीजें बिखरी हुई थी, उनकी गिनती हम अनंत मान लेते हैं कि अनंत चीजें बिखरी हुई थी। अब तुम रूम में आए और उन बिखरी चीजों को देख गए, और तुम चूंकि कैपेबल थे उन्हें बटोरने में, तो तुमने उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो बताओ क्या तुमने ऐसा कुछ अच्छाई में आके किया? नहीं ना, बिखरी हुई चीजें समेट देना या ये हम अच्छाई या बुराई में आके नहीं करते, हमने बस कर दिया। अब अगर तुम्हारा मन किया और तुमने उन्हें वापस से बिखेरना या उन चीजों को ऑर्डर को तोड़ना शुरू कर दिया, तो क्या ये तुम बुराई में आके कर रहे हो? नहीं ना, तुम्हें बस मन किया और तुमने कर दिया। ठीक यही चीज लागू होता है इनफाइनाइटली पावर वाले बींग्स पे। वो कुछ भी करते हैं तो उन्हें उनमें अच्छाई या बुराई कुछ नहीं दिखती। उनसे जब बहस करोगे तो वो लिटरली इमोशनलेस आंसर देंगे, क्योंकि उन्होंने वो काम कोई फीलिंग में आके थोड़ी ना किया भैया। तो समझे, उन्हें अच्छा या बुरा प्रूव करना क्यों सही नहीं है। बट एंड ऑफ द पॉइंट, तुम लोग का एक और कंसर्न होगा कि इतनी बकवास करने के बाद, लोकी सीरीज की प्रॉब्लम गिनवाने के बाद, तू भी अपना कुछ बताना फिर।
कि अगर ये गलत है तो फिर सही क्या होनी चाहिए थी। तो मैं बताऊं, सही कॉन्सेप्ट भी MCU ने खुद दिया था, और सबसे सही कॉन्सेप्ट इनसाइड MCU मानता हूं मॉल्डो के डायलॉग को, जो वो स्ट्रेन से कहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इन हरकतों से समय पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। योर वेरी अटेम्प्ट टू ऑल्टर द फ्लो ऑफ टाइम क्रिएट्स रिपल्स इन इट, जो रुकते नहीं हैं वो समय में आगे बढ़ते जाते हैं और बदलाव लाते जाते हैं, और समय को ज्यादा खींचने, दबाने, मोड़ने या बदलने से समय की धारा परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है या टूट के बिखर जाती है। फिर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, इन सभी का कोई मतलब नहीं बचता। ये है सबसे बढ़िया कॉन्सेप्शन अभी तक में MCU का, और कायदे से ऐसा दिखाना ज्यादा सही और बवाल होता, पर कोई ना, जो चीज तुम्हें समझ में आए वही देखो, चाहे वो जैसी भी हो। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां हमने लोकी एपिसोड 2 के बाद बने अपने कॉन्क्लूजन्स को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको ये दोनों वीडियोस कैसी लगी, और क्या ये वीडियो आपके कुछ क्वेश्चंस को क्लियर कर पाई या आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे पाई या नहीं। साथ ही ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।